तमामु ऐं कंफर्टेबल ऐं प्रिविलेज्ड फील कंदो आहियां जॾहिं हीउ यूथ, हीउ छोकिरा, हीउ छोकिरियूं, हीउ शागिर्दियाणियूं, हीउ शागिर्द ईअं ॻाल्हाईंदे नज़र अचनि, वोकल नज़र अचनि, पंहिंजो स्टैंड प्रेज़ेंट कंदे नज़र अचनि, अपनी बात वो दिल की कह सके, दुनिया में इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग, कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप जो कहना चाहें वो कह सके। पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे लगता है तो वो ये है कि लोग जेंडर बायसनेस की वजह से, मानों कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन सबबा, मानों क्लास डिफरेंस जे सबब करे, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स जे करे जेका गाल चवण चाहिन था, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम अनएबल टू से इट। रीज़न बीइंग द थ्रेट्स, द वार्निंग्स, द डिस्क्रिमिनेशंस, हीअं चइबो त हीअं थी वेंदो। तो आप ये बेटे बेटियां, बच्चे बच्चियां तव्हीं जॾहिं ॻाल्हायो पिया तॾहिं महसूसु पियो थिए तव्हां उन्हनि ज़ंजीरुनि खे थोरो घणो टोड़ियो आहे, मुकमिल न। ये जो बातें मैंने सुनी हैं दोनों तरफों से, थोड़ी बहुत, एक तो पेश इस तरह किया गया कि पाकिस्तान बिल्कुल कोई नाकारा जगह है, वहाँ दो पल भी नहीं ठहरा जा सकता, कत्ल है, गारत है, लोग मर रहे हैं, कोई मेरिट नहीं है, तबाही है, बर्बादी है, भूख है, अफलास है, पाण सब हिताली बाहर किश्तो खणी पिनंदासीं रस्ते ते पोइ वरी अॼु अॼो को माल पिनी वरी सुभाणे लाइ वरी नए सिज निकिरबो, का शइ कान्हे, पाण सभु वॾेरनि जा ॿार आहियूं, सिफारिशुनि ते पहुता आहियूं, ऐं यूनिवर्सिटियूं, दाख़िलाऊं, नौकिरियूं, जेके माण्हू वेठा आहिनि कॉर्पोरेट सेक्टर में, जेके गवर्नमेंट सेक्टर में, जेके सी एस एस ऑफिसर्स, जेके नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, एम्बेसीज़ में, जुडिशरी में, उहे सभु माण्हू वॾेरनि जा ॿार आहिनि, से अची सिफारिश ते पहुची विया आहिनि एकेडमिया में। ये एक बिल्कुल डार्क पिक्चर है। दूसरी पिक्चर, खीर जो नदियों पे हुआ, बादशाही लगी पई आ, बस वैनकूवर में वेठा आयूं, टोरंटो में आयूं, इतना बरसा जिनेवा में, ज्यूरिच में, स्विट्जरलैंड में, जो बहारियों हैं, बसू पे हलन, बाहर निकरंदासी, असाके बस खणंदी, घर छॾींदी, नंढड़ो गोठ हूँ थाने भोला खान वट, उते इलेक्ट्रिसिटी होंगी, लूमड़ियुनि जे या पालरनि जे ॻोठ लाइ अलॻि बिजली पहुतल हूंदी, उते सुई गैस लॻी पई आहे, उते ॿाहिरि रेंचिस ठहिया पिया आहिनि, घोड़ा डोड़नि पिया उते रेंचिस ते, जीअं ब्राज़ील में हूंदा आहिनि, ऐं हिकिड़ी हॉस्पिटल आहे, 911 डायल कंदासीं, छोकिरी असांजी न्याणी बीठी आहे, भरिसां मोटरसाइकिल दब का लंघी, थ्रेट फील थियो, 911 दॿाई, यकदमि पुलिस ऑफिसर अची विया, मे आई यू हेल्प लेडी, डू यू नीड एनी हेल्प, ऐं हू यकदमि मदद थी वई हली, हितां स्कॉलरशिप्स आहिनि, पढ़ाई आहे, बादशाही लॻी पई आहे, क्रिश्चन्स फ्री आहिनि, हिंदू फ्री आहिनि, शिया फ्री आहिनि, सुन्नी फ्री आहिनि, को टकराव कोन्हे, मज़ो लॻो पियो आहे, बसि ॿार ई लॻी पई आहे। इहो वरी ॿियो पासो आहे, ट्रुथ एक्सट्रीम्स ते कोन हूंदो आहे, सचाई इंतिहाउ ते नहीं रहंदी, के या सिम्थ या ब्लैक एंड वाइट में सचाई नहीं होती, सचाई ग्रे एरियाज में होती है। सचाई इस तरह नहीं होती कि या तो तुम फरिश्ते हो या शैतान हो, आप में फरिश्ताना खुसूसियात होते हुए भी आप में ईविल माइंडेड होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। जेनेटिक्स में आपको ईविल माइंडेड होने की फैसिलिटीज और सलाहियतें भी मिली हुई हैं, और आपको शानदार काम करने की खूबियां भी मिली हुई। आप जब गुल सेंटर के चौराहे पे गुजरते हैं, आप करोड़पति और जालिम होने के बावजूद जब सिग्नल पे किसी माँ की गोद में बिलकता हुआ बच्चा देखते हैं एक रुपया भीख मांगने के लिए, तो आपकी दिल के, आपके रूह की गहराइयों को वो सिमत भी खींचती है, वो डायरेक्शन भी अपनी तरफ मुतवजह करती है, जो हजारों सालों से पैशन की सूरत में, कंपैशन की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, पिटी फील करने के अंदाज में एक दूसरे के दुख को, वो फैज ने कहा है
कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो जो दर्द का रिश्ता है वो भी आपको खींचता है। मगर दूसरी सिमत आप वो भी हैं कि आपकी गाड़ी गुजर रही है और एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक जख्मी इंजर्ड पड़ा हुआ है, और आप अगर ब्रेक पे पांव भी रखने जा रहे हैं, आपके बराबर पैसेंजर बैठा हुआ कहता है फंस जाओगे गवाहियों में, हॉस्पिटल पहुंचाना, दलायल, हो सकता है पुलिस तुम्हें ही चालान कर दे और फिर गाड़ी को स्पीड दे देते हैं, तो वो सलाहियतें भी आपके अंदर मौजूद हैं। अब कौन से लम्हों में कौन सी सलाहियत आपको आपकी दूसरी सलाहियतों को ओवर रूल करके छा जाती है, दैट हैज टू बी सीन। केड़े लम्हे में तभी केड़े रुख में होने था, ही जेनेटिक्स की साइंस है, ही नंढड़ो टर्टल जो बेदे मां निकरंदे ही समुंड ना भजे थो, ऐं जेको अबाबील का छोटा सा बच्चा जब अंडे से बाहर निकलने के बाद चंद दिन घोंसले में रहने के बाद उस कुएं के मंडेर पे जाने की कोशिश करता है, नीचे नहीं जाके गिरता, पहली परवाज उसकी उसको ऊपर ले जाती है कुएं के, ये जो छोटा बच्चा आपका पहले कदम जब उठाता है और अचानक वो लड़खड़ा के गिरता है तो उसके दोनों हाथ आगे जाते हैं, क्योंकि उसको जेनेटिक्स की साइंस ने, उसके डीएनए ने हजारों सालों से बताया है कि तुम्हारी बॉडी का मोस्ट वाइटल पार्ट तुम्हारा दिमाग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ आगे ले जाओ। और वो बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, वो छोटा सा एक साल डेढ़ साल का बच्चा है, उसको उसकी 50,000-60,00,000 साल ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग बताती है, ब्लूप्रिंट बताती है ह्यूमन के, तुम्हें फौरन अपने जिस्म के वाइटल पार्ट को बचाने के लिए दोनों हाथ आगे ले जाने हैं। और ये जो छोटा बच्चा 6 माह का, उसके आंखों के आगे आप हाथ हिलाते हैं, वो पलके झपकता है, ये उसको उसकी 60,00,000 साला ह्यूमन तारीख बताती है कि ये वाइटल पार्ट है आंख, इसके आगे हाथ मूव करने से खदशा है तुम्हारे आंख के तारे को छूने का, इसलिए आंखों को झपका लो। ये जो जेनेटिक्स में आपके अंदर पड़ी हुई चीजें हैं, ये तवा के कंपेयर कराएं क्यों, फिर आप दो में से कोई एक फैसला कर लेते। मसलन आपके वालदेन, वो सारा दिन आपको बताते हैं कि दूसरों के मामलात में टांग मत रखो, अपने काम से काम रखो। खासतौर पर बच्चियों को क्या कहा जाता होगा, बाबा यूनिवर्सिटी वनो पांच कम सा कम रखो, एदा और अनिश्चो सदो लही, वापसी में पॉइंट बस में चढ़ी ठगा जी कर घर गयो, ए घर लेने का पो बेदा और अनिश्चो सदो ये जी घर पहुंच जो। सही गल, आप देखेंगे कि कहीं कोई जुल्म हो रहा है, Have you ever noticed this? तो किथे को जुल्म पे थे तो बच्चियां उमूमन आंख बचाकर रास्ता बचाकर गुजर जाती हैं, मर्द फिर भी 10-20% उस जुल्म के आगे रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। वजह क्या, वजह ये नहीं है, वजह नहीं है कि मर्द के दिल में मोहब्बत या रहम ज्यादा है, वो औरतों के दिल में ज्यादा है, क्योंकि वो माओं का, बहनों का, बेटियों का दिल है, उसमें वो मोहब्बत, उसमें वो रहम, उसमें वो जज्बा ज्यादा है। उनके पीछे जो हजारों सालों से वो डंडा है कि किसी की राह में जाते हुए किसी से मत उलझना, किसी के मामले में टांग मत अड़ाना, किसी के मामले में फंस के तुम खुद ट्रैप हो जाओगे, इसलिए वो बेचारी दामन बचाते हुए चली जाती हैं। कहीं कोई पिट रहा है केले वाला किसी पुलिस वाले के हाथों, किसी मिनी टैक्सी और रक्षा वाले को ट्रैफिक का सिपाही रास्ते पर रोक कर उसकी इंसल्ट कर रहा है, किसी शख्स को मुर्गा बनाया हुआ है किसी जगह, उसके साथ जुल्म हो रहा है, किसी बच्चे को कोई बुजुर्ग पीट रहा है बेदर्दी से, किसी बीवी को या बहन को कोई भाई या बाप या शोहर पीट रहा है और वो खामोश होती हैं, हाथ नहीं अड़ाती। बाप भी अगर माँ को मार रहा हो तो बेटियां बेचारी कोने में छुपकर आंसू बहा रही होती हैं, दीवार को साथ चिपक के दरवाजा बंद करके, वो बेटा होता है जो आगे चल के रिजिस्ट करता है कि मेरी माँ को मत मारो, वो उसको समझाया गया है हजारों सालों से। अब यू कैन चेंज इट, आपके अंदर सीडी प्लेयर में, आपके अंदर आपके यूएसपी में, आपके उस जहन के तहत शऊर में वो तमाम जज्बे हैं रिजिस्ट करने के, जो शेर में है, जो बिल्ली में है, जो डायनोसार में थे, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एवोल्यूशन में हर जिंदा चीज के अंदर है कि बिल्ली के बच्चे से भी, इतने बड़े बिल्ले से भी आप छीछड़ा छीने और इतने बच्चे से भी छीछड़ा छीने, वो धुराएगा और पंजा मारेगा। वो पंजा मारना और रिजिस्ट करना आप सबके अंदर है, आप उसको दबा के बैठे हैं, आप उसको कुचल के बैठे हैं कि नहीं लड़ना, रिजिस्ट नहीं करना। अब इस पे यू हैव टू डिसाइड,
आपको तय करना है कि कौन से लम्हे में खामोश रहना है। मैं ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी पढ़ाता हूं। मेरी तो हिदायत होती है मेरे तमाम बच्चों को कि अगर आपको इफेक्टिव पाकिस्तान का शहरी बनना है, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को इफेक्टिव एफिशिएंट कामयाब खुशहाल मुल्क बनाना है तो आप दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना शुरू करें। जहां गड़बड़ देखें वहां टांग अड़ाएं, क्योंकि अगर आप किसी ज्यादती के सामने टांग नहीं अड़ा रहे तो जब आपके खिलाफ ज्यादती होगी तो आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। आप अकेले नायला रिंद, शायस्ता मेमन या नौरीन लगारी बन जाएंगे, आप अकेले बन जाएंगे, अयाज जमाली की तरह सूडान में फंसे होंगे, स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे दूसरे आपके लिए, आपको तनहा छोड़ दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कभी आप या आपके अजीज तनहा रहे तो आप या दूसरों के खिलाफ जुल्म हो रहा हो, उन हिदायत को उठा के फेंक दें। हिदायत है ना, लोग कहते हैं बाबा अकुल की बुनियाद पर फैसलो कर, ठीक है अकुल की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए, अकुल जबरदस्त, मतलब अकुल के बुनियाद पर अगर न्यूटन चला होता तो उठा के सेब खा के घर चला जाना चाहिए था उसको, बल्कि दो तीन सेब और तोड़ के चला जाना चाहिए था। अकल के बुनियाद पर अगर ईदी चला होता तो उसको एक बहुत जबरदस्त काठियावाड़ी मेमन, बाटवा का मेमन या कुछ जबरदस्त कारोबारी शख्स बन के उसको आया है चंद्रीगढ़ रोड पे बड़ी फैक्ट्री बनानी चाहिए थी, बड़ा दुकान खोलना चाहिए था। अकल के बुनियाद पर अगर ये सारे लोग चलते तो पाकिस्तान का या दुनिया का क्या अंजाम होता। अकल के बुनियाद पर अगर आपकी खवातीन चलती जो दुनिया की बड़ी बड़ी लीडिंग हिस्टोरियंस बनी है, साइंटिस्ट बनी है, तो अकल जरूरी है, मगर अकल के साथ जज्बा जरूरी, फीलिंग्स जरूरी। फॉर एग्जाम्पल आपकी, मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स को, आप कहीं जा रहे हैं, आपका मोबाइल कोई छीने, आगे गाड़ी में बैठे हैं, कार में जा रहे हैं कराची के रास्ते पे, सिग्नल पे आगे गाड़ी रुकी और किसी शख्स ने शीशा खुला हुआ है, गन रखी, मोबाइल दे दो, तो यहां अकल के कहने पर चलना चाहिए, मोबाइल दे दे, ठीक है ना, क्योंकि अकल समझा रही है आपको कि गोली मार देगा बंदा और 5,000 का, 10,000 का, 12,000 का मोबाइल उसके लिए अपनी जान गंवा देनी, तो यहां अकल पे बिल्कुल चलना चाहिए। मगर इकबाल ने कहा है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, जब नमरूद की आग जल रही थी तो जो इश्क खड़ा था किनारे पे और इसके साथ अकल भी खड़ा, तो इकबाल कहता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क और अकल है महज तमाशा लबे बाम। इश्क बेखतर कूद पड़ा और अकल किनारे पे खड़ी होके देख रही है कि आग तेज तो नहीं है, जलस तो नहीं जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो ये सही है। मगर ये तो मोबाइल की मिसाल थी ना, अब एक मां बैठी है उसकी गोद में बैठा है बच्चा, और एक मंगेतर बैठा है उसके साथ, मंगेतर या बीवी या शौहर बैठा है, या बूढ़ी मां बैठी है, और एक शख्स आके पिस्टल रखे और कहे कि बच्चा दे दो, मां कहे अब जान है तो जान है, बच्चा दूसरा भी पैदा हो जाएगा, ले जाओ भाई, तो यहां ऐसा नहीं होगा, वहां वो मां, वो पी, वो मुड़स, वो अजाल आखिरी पढ़ दी। तो थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स वेरी from one position to another, from one point to another, from one situation to another situation. Mobile और motorcycle छिन रही है, अकल की कहने पे। और जब आपकी कुल कायनात, आपकी जिंदगी, आपका future छिन रहा है, वहां अकल के साथ इश्क को मिला ले। अच्छा है दिल के पास रहे, ये भी इकबाल है, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी उसे तनहा भी छोड़ दे। शुक्रिया।